नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शायन परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 73 नए मामले सामने आए। अब तक कुल मामलों की संख्या 238 हो गई। 24 घंटे के दौरान दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। वहीं ओमिक्रॉन के 57 मरीजों को ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच पहले नाइट कर्फ्यू और अब दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। जिम, सिनेमा हॉल, स्कूल कॉलेज सब बंद और कई नई पाबंदियां लागू हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग जल्दी कराने के आश्वासन के बाद दिल्ली एम्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सभी सेवाएं समान रूप से जारी रहेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुख्य आरोपी बताया। ईडी ने मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में दायर 7000 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में देशमुख का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज किया। इस चार्जशीट में अनिल देशमुख के दोनों बेटों के नाम भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष सोमू वीरराजू ने पार्टी के लिए वोट के बदले सस्ती दरों पर शराब मुहैया कराने का वादा किया। उन्होंने 1 करोड़ वोट के बदले 70 रुपये में शराब मुहैया कराने और अधिक रकम से बचने पर इसकी कीमत घटाकर 50 रुपये कर देने की बात भी कही। देश और दुनिया में कोरोना ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। WHO ने इस वैश्विक महामारी के संक्रमण को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने राजौरी के लिए ब्लैक पैंथर कमांडो वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि कमांडो वाहन को मॉडिफाइड किया गया है ताकि वह जब भी इस गाड़ी को ऑपरेशनल जगह पर ले जाए तो वहां मौजूद अधिकारी उस इलाकों का पूरा जायजा ले सके। बचपन का प्यार गाना गाकर ख्याति पाने वाले सहदेव एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। हादसे में सहदेव को सिर पर गंभीर चोट आई है। सुकमा जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सहदेव को जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा 4 महीने पहले लॉन्च किए गए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों की संख्या 16 करोड़ के करीब पहुंच गई है। पोर्टल पर 15.88 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। यूपी में योगी सरकार द्वारा श्रमिकों को 500 रुपये महीना देने की घोषणा के बाद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की बात आ गई। RBI ने फ्री ट्रांजैक्शन के बाद कैश निकासी पर लगने वाले चार्ज को बढ़ाने की मंजूरी दी। बैंक अभी ग्राहकों से 20 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज वसूलते हैं। इसमें टैक्स शामिल है। फ्री ट्रांजैक्शन के बाद बैंक अपने ग्राहकों से प्रति ट्रांजैक्शन 20 की जगह 21 रुपये ले सकेंगे। 1 जनवरी से कपड़े और फुटवेयर पर 12% GST लगेगा। भारत सरकार ने कपड़ा, रेडीमेड और फुटवेयर पर 7% GST बढ़ा दी। इसके अलावा ऑनलाइन तरीके से ऑटो रिक्शा बुकिंग पर 5% GST लगेगा। यानी ओला, उबर जैसे ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म से ऑटो रिक्शा बुक करना अब महंगा हो जाएगा। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 1 जनवरी से कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। 10वीं का आई कार्ड भी रजिस्ट्रेशन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की रेस जारी। दाखिले के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 7 जनवरी है। इससे पहले ही कुछ स्कूलों ने दस्तावेजों के सत्यापन की शेड्यूल भी जारी करने शुरू कर दिए। 28 जनवरी को दाखिला मानकों में मिले अंकों के आधार पर बच्चों की सूची जारी होगी। उड़ीसा में कुल 27,000 स्कूल 3 जनवरी 2022 से ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करेंगे। हालांकि छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं में शामिल होने के लिए माता पिता की सहमति जरूरी होगी। कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जारी रहेगी। झारखंड के गरीब मजदूर और मध्य वर्गीय परिवार के लोगों को 26 जनवरी से पेट्रोल 25 रुपये सस्ता मिलेगा। राज्य के CM हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 2 साल पूरा होने पर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि संसाधन जैसे जैसे बढ़ेगा राज्य के अन्य लोगों को इसमें राहत भी दी जाएगी।
अमेजोन का OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर अब लाइव क्रिकेट मैच भी देख सकेंगे। अमेजोन प्राइम वीडियो अगले साल 1 जनवरी से न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज के साथ लाइव क्रिकेट स्ट्रीमिंग प्ले में एंट्री कर रहा। नए साल में मारुति सुजुकी, रेनो, होंडा, टोयोटो और स्कोडो समेत लगभग सभी कार कंपनियों की कार खरीदने के लिए आपको ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। टाटा मोटर्स 1 जनवरी 2022 से कमर्शियल व्हीकल की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिल्म जर्सी की रिलीजिंग डेट अब आगे बढ़ गई है। नई रिलीजिंग डेट का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस फिल्म को लेकर शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर बीते कुछ हफ्तों से प्रमोशन भी कर रहे थे। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के मुनस्याई में बर्फबारी हुई, इसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ गया, साथ ही लोगों को यातायात में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अब बारिश की संभावना नहीं, अब न्यूनतम तापमान गिरना शुरू होगा और 31 दिसंबर से 1 जनवरी को ठंड बढ़ने की आशंका है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली में 5 और 6 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, 26,000 रुपये हो सकती है न्यूनतम सैलरी। अगर बजट से पहले कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो बजट से पहले ही इसे लागू कर दिया जाएगा। गोवा के पणजी में फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मूर्ति लगाई गई। गोवा सरकार में मंत्री माइकल लोगो ने कहा कि युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये प्रतिमा लगाई गई है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस महान फुटबॉलर की तरह बने। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक एयरटेल अपने कुछ प्रीपेड प्लान पर 50 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। हालांकि ये छूट केवल एयरटेल थैंक्स ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। ऐप के जरिए प्लान्स को सब्सक्राइब करने पर एयरटेल एडिशनल डेटा कूपन भी देता है। मुकेश अंबानी ने अपने पिता के जन्मदिन पर उत्तराधिकार सौंपने की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी। रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी ने अपने कारोबार समूह में नेतृत्व बदलाव का जिक्र करते हुए वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मिलकर युवा पीढ़ियों को बागडोर सौंपने की प्रक्रिया तेजी कर दी है। नए साल की पहली तारीख को रसोई गैस में काम आने वाली LPG सिलेंडर के दाम में बड़ा फैसला होगा। दाम को लेकर हर महीने की पहली तारीख को समीक्षा बैठक होती है, ऐसे में इस बार की बैठक में LPG सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।